एक दूजे के वास्ते। अरे आप आइए, हम अंदर करेंगे। अरे बोल, आप आइए इधर। मॉर्निंग कर्नल। आई एम सो सॉरी, हम लोग कहीं फंस गए इसलिए आ नहीं पाए। ओके श्योर। जैन, हम लोग लेट हो गए तो उन्हें कहीं जाना था, मीटिंग आज नहीं होगी, तुम ही निकलो। जैन थैंक्स। आओ सुमन। अरे मुझे तुमसे बात करनी है। मुझसे बात करो, हाथ क्यों पकड़ा? और मैं क्या हूँ तुम्हारे पीछे? तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, तो आओ। अच्छा, तो तुम्हें कौन सा मतलब है? एक तुम्हारा प्लान फेल हो गया, मेरे पापा को चोट लग गई, लेकिन तुम्हें उससे क्या? अंकल की चोट फर्स्ट एड से ठीक हो जाएगी। और हमारा प्लान फेल नहीं, A1 ग्रेड से पास हुआ है। कान बंद थे क्या तुम्हारे? दोनों की बातें नहीं सुनी तुमने? बातों से क्या होता है? लोग बड़ी आसानी से झूठ बोल लेते हैं, पर एक्शंस कभी झूठ नहीं बोलते। क्योंकि उस सिचुएशन में चिल्ला चिल्ला के ये बता रहे थे कि मुझे तुम्हारी फिक्र है दोस्त। अच्छा तो फिर सॉरी बोल के लड़ाई खत्म करो ना। लेकिन नहीं, इनका तो दोस्ती का GPS फेल हो गया, तभी इतना लंबा रास्ता ले रहे हैं। तुम देखना, ये गोल गोल चक्कर खाके नीचे गिरेंगे। इसे लंबा रास्ता देना नहीं, एक दूसरे को स्पेस और टाइम देना कहते हैं। तुम्हें पता नहीं है, पर रिलेशनशिप ऐसे ही बनते हैं। अच्छा तो टाइम और स्पेस से? जी हाँ, कोई भी रिश्ता बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर चाहे वो रिश्ता दोस्ती का हो या प्यार। तो इसका मतलब मुझे भी तुम्हें बस टाइम और स्पेस देना है? ऑफ कोर्स, हम भी तो दोस्त हैं। और हाँ, ऐसे स्टुपिड की तरह बात बात पे हाथ पकड़ना भी बंद करना होगा, और वो आंख मारना भी, और ऐसे स्माइल करना भी। तुम खड़े क्या हो? जाओ मैकेनिक को बुलाओ, मैं जा रही हूं। तो इसका मतलब मुझे भी सुमो के एक्शंस पे ध्यान देना है, और हमारे रिलेशन को बहुत सारा टाइम और स्पेस देना है। झुमरी, गर्म पानी जल्दी लेकर आ। दो दो लोग थे भाई साहब वहां पे, मगर ये नहीं हुआ कि कोई आके आपकी हेल्प कर दे। छोड़िए जी, मैनर्स, असूल वसूल, सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है इन पड़ोसियों का। तू आर्मी वाला है या मोटर मैकेनिक? तू वहां रुका ही क्यों? रुक के ना मदद तक नहीं की थी, पाना भी गलत बता दिया। अरे नहीं कविता, गलती मुझसे हो गई। उनके समझने में गलती है, प्रॉब्लम ये है। इतनी तमीज नहीं कि छोटा पाना क्या होता है और बड़ा पाना क्या होता है। आप तो कैंट के लिए निकल गए थे ना? वो कैंट के लिए निकल रहे थे मम्मी, बोला रास्ते में छोड़ देता। खबरदार, उनका पक्ष ना लेना मेरे सामने। तू पहले ही बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे शिफ्ट होके। हमने गलती तेरी है जो उन पड़ोसियों को अपना दोस्त कहता है। दोस्त बुलाते नहीं है पापा, दोस्त हैं वो लोग ना, बस दोस्त बोलते हैं। दोस्ती निभाई क्यों नहीं गई? मम्मा कोशिश की थी उन्होंने, पापा ने मना कर दिया। उन्हें तो चोट तक लग गई थी दादू। आप चाहे सुमन से पूछ लो। हरगिज नहीं, वो भी अपने परिवार पे गई है, जब देखो गर्दन खींच के चलती है। बिल्कुल सही ताई जी, सुमन भी ना किसी से कम नहीं है। वैसे कम नहीं है ये, कुछ चालाकी और खुराफाती की बात हो ना, सबसे आगे होते हैं सिविलियन। जी सिविलियन है हम, सिविलियन ठाट से रहते हैं, टायर तो ना हमारे ड्राइवर बदलते हैं। टाइम और स्पेस कैसे? यहाँ तो दोनों परिवार एक दूसरे के खिलाफ है। बंटी, वैसे आर्मी में तो सबको टायर बदलना आता है, सुमन को भी आता है, क्यों सुमन? और तुझे? पाजी स्कूटर का आता है। स्कूटर क्या है भाभी जी, अरे गाड़ी का भी सीख ले, नहीं तो जा उन्हीं निकमों में शामिल हो जा, बन जा सिविलियन। पाजी हमेशा आपकी बेइज्जती करने का मौका क्यों ढूंढते रहते हैं? आप हमेशा ना मुझे ही चुप करा देते हो। सब के सब नालायक होते हैं, मुझे पक्का यकीन है कि श्रवण को भी टायर बदलना नहीं आता है। आता होगा दादू। अरे लिख के दे सकता हूँ कि सिवाय मोटरसाइकिल पे बैठ के बूम बूम करने के और कुछ नहीं आता है, नहीं तो अपने बाप की मदद के लिए आता ना आगे।
अब आखा भैया तुम भी ना जब अपनी सुमो से मिले ही थे तभी टाइम पक्का कर लिए होते ना। अबे तो फिर जल्दबाजी लगती ना, एक तो सुमो तभी तभी वो स्पेस और टाइम देने वाली बात की उसने, और ये दोनों पापाओं की चिंता में याद ही नहीं रहा यार। मिया तुम्हारी लव स्टोरी में आग तो तुम्हारी फैमिली ने ही लगाई। एक बात बताओ, तू मेरा दोस्त ही है ना? हाँ मिया, कर दी ना छोटे मुंह वाली बात। अबे जिगर का टुकड़ा नहीं उरी पर जिगर हो तुम। तो फिर सुमो से दूर रहने वाली बात बोल के अपने जिगर का जिगर क्यों तोड़ रहा है बे? देख मुझे सुमो हर हालत में अपने साथ चाहिए, फिर चाहे कितना स्पेस और टाइम ले लो। जे बात मिया, अगर सीरियस हो ना तुम तो दोनों भाई मिलके बढ़ाएंगे सुमो को। हाँ माया मतलब तुम्हारे लिए मिया, तुम्हारे लिए। कैसे यार, मतलब समझ नहीं आ रहा, तू आइडिया देना कुछ। मिया एक ऐसा प्लेयर बनाओ जिसमें तुम्हारा बापू और कुल्लू बापू दोनों एक हो जाए, और जिसमें तुम्हें सुमो को बार बार मिलने का मौका मिले। अबे नहीं यार, प्लान और मैं, अबे उसे मेरे पीछे चलने तक में प्रॉब्लम है, मेरा प्लान क्यों फॉलो करेगी वो? अरे मिया रूल्स की दुकान उसूल तो फॉलो करेगी ना, जेब बार उसको बोल दो कि तुमने कहा हमने मानी, अब तुम्हारी भाई। अबे मिया जे क्या कर रही हो? बता ना कंचा, कैसे पता करूं? अच्छा चल मान ले तुझे पता भी चल गया और श्रवण को सच में टायर चेंज नहीं करना आता तो क्या हुआ? अच्छा बाइक चलानी आती है, उस पे हीरो बनना आता है, पर टायर चेंज करना नहीं आता, इससे क्या साबित होता है कंचा? कि उसे मैकेनिक की दुकान पता है? जी नहीं, इससे ये साबित होता है कि वो बाहर से शो ऑफ पर अंदर से शैलो यानी कि खोखला है, मुसीबत में वो खुद की मदद नहीं कर सकता और ऐसे इंसान पे हम डिपेंड नहीं कर सकते। ओ, मैं अब समझी, मतलब तू उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी, उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा और मैकेनिक नहीं होगा आसपास, तो तू तो उसके साथ अकेले अटक जाएगी, ऐसे बोलना। वेरी फनी, ले खुद ही पूछ ले उससे कि दमदार है या खोखला। सुमो तुमने जो कहा वो मैंने किया, लेकिन अब नेक्स्ट आइडिया मेरा होगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, ये सब तुमने नहीं तुम्हारी किस्मत ने किया। अच्छा पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें टायर चेंज करना आता है? किस्मत को कुछ ज्यादा क्रेडिट नहीं दे रही हो तुम, सब कुछ मैंने टाइम किया तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। अच्छा मतलब कि मेरे पापा का घर से बाहर निकलना, तुम्हारे पापा का उसी समय गाड़ी में आना और उसे ठीक पहले टायर का पंचर होना, ये सब तुमने प्लानिंग से किया? ऑफ कोर्स, श्योर। साबित कर दिया तो नेक्स्ट आइडिया मेरा। फाइन करो साबित। टायर पंचर करना सिंपल था, पर मेरी स्मार्टनेस ये कि उस पे च्युइंगम चिपकाई ताकि करीब एक घंटे बाद टायर टायर फिस हो, फिर अपनी जान खतरे में डाल के पापा को लेट करवाया। श्रवण, और श्रवण मेरे जूते लिया यार, बस बहुत हो गया, और श्रवण जल्दी कर यार। आ जाओ कर्नल अंकल, 15 मिनट से पॉलिश कर रहा हूँ, जूते भी घिस दिए। अरे श्रवण मेरे जूते ले आ यार, बस हो गया। आया पापा, जल्दी ला, जल्दी आना। ये ले जूते पापा, चमक रहे हैं ना पापा? हाँ चमक। मीटिंग से पहले इन्हीं में देख के बाल सेट करना। क्या? कुछ नहीं पहनो ना। ये क्या लेस बांध रहा है? क्या बांध रहा है ये लेस? हैं? हटा। ला। जल्दी। चाय बाद में पी लेना पापा, लेट हो जाओगे मीटिंग के लिए, फिर ब्लेम भी मुझे करोगे। चलो ना। कितना नालायक लड़का है यार, एक तो जूते पॉलिश करने में इतना टाइम लगा दिया, अब कह रहा मैं चाय नहीं पी सकता यार। फाइव फोर थ्री टू वन। दादू सही कह रहे थे, तो सच में खुराफात की दुकान है। और अब मेरा आखिरी सवाल, तुम्हें टायर चेंज करना आता है? एक सेकंड, टॉपिक मत बदलो, तुमने कहा था तुम मेरा आइडिया मानोगी, अब मानो। अरे बात कहाँ बदल रही हो? ओके फाइन, तुम ही बोल लो क्या आइडिया। तो ये करेंगे,
वो मैं तुम्हें मिलके बताऊंगा। क्यों? अरे फोन पे समझ नहीं आएगा। तुम ये बताओ कि मिलना कैसे है? क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एंट्री मिलेगी तुम्हारे घर में। सोच के बताती हूँ। दो बार इसने टायर बदलने वाला सवाल टाल दिया, मतलब नहीं आता इसे। अच्छा तो ये सोच के बताती हूँ ऐसे ही बोल दिया? और नहीं तो क्या। लाइए, मैं रख देती हूँ। ऐसी आदतें मत डालो अंजलि, कैंट में मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। कभी ना कभी तो वापस जाने लायक हो ही जाऊंगा ना। विजय, आप इतने उदास क्यों हैं ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप इतने निराश कब से हो गए? और जिन विजय को मैं जानती हूँ उन्हें इतना चुप चुप मैंने कभी नहीं देखा। बहुत गलत बोल चुका हूँ। उस दिन खाने पर चिल्लाया, फिर देवराज पर। ऐसे बार बार अपना आपा खोने से तो अच्छा है कि चुप रहूं। हम सब जानते हैं कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर आप विजय, क्या चल रहा है आपके मन में? जब समझ आएगा तो बता दूंगा। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, आराम करना चाहता हूं। ओ मिया, इसने तो मुंह पे फोन दे मारा। और ये क्या, तुम दांत दिखा के हंस रही हो? अबे बताया तो था तुझे, टाइम और स्पेस, तू एक मौका तो दे उसे। अनिश का मैसेज। हम आज शाम को सुमन के घर इकट्ठा हो रहे हैं फॉर ग्रुप स्टडी, मन हो तो आ जाना। पर मिया, अनिश ने तुमको क्यों बुलाया? अबे वो कौन होता है मुझे इनवाइट करने वाला? ये तो सुमन इनवाइट किया है, क्योंकि वो बातों में नहीं एक्शंस में बिलीव करती है मेरे दोस्त। और तू देख, इस बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा मैं। मैंने देवका को वही बोला कि तुम बच्चे साथ चलोगे तो कर्नल साहब इस ऑफर को इनकार नहीं कर पाएंगे। वैसे भी आजकल फ्री टाइम है उनके पास, और सारे बच्चे साथ रहेंगे तो लीड करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। बहुत मुश्किल है यार एग्जाम हॉलीडेज में घर बैठना, मतलब बुक्स, टीवी, टीवी बुक्स, कब तक देखोगे? सही है यार, सही है। अच्छा हुआ ये स्टार्ट कर रहे हैं। क्या हुआ सुमन, तुम्हें एक्साइटमेंट नहीं है कि हम रोज मिलेंगे? आई मीन ग्रुप स्टडी करेंगे। अरे पढ़ाई से ज्यादा एक्साइटेड तो वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और आर्मी के बारे में सीखने के लिए है ना। अरे मैं तो बस ये पूछ रहा था। तुम वो सब छोड़ो ना, ये स्नैक्स ट्राई करो, बहुत यम्मी है। हैव नाउ। लीजिए। थैंक यू। वैसे एक बात बताइए, ये आपके सिविलियन पॉलिसी आए कहाँ से? ये यही भोपाल के हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ के, और भाई साहब के पुराने दोस्त हैं, देवराज मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, क्या ये वही मल्होत्रा हैं जिनसे बुलेट प्रूफ वेस्ट की डील चल रही है? जी हाँ। ओए, ये लोग घूर क्यों रहे हैं यहाँ? पक्का हमारी बुराई कर रहे होंगे। अरे चाचू, क्या कर रहे हो आप, घूर क्यों रहे हो? अजीब लगता है अपना, चलो नीचे। ओए, मैं कुछ नहीं कर रहा, घूर तो वो रहे हैं, मैं तो बदले में घूर रहा हूँ। कब से उधर ही घूर रही हो? श्रावण आने वाला है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? नहीं, ऐसे पूछा। अरे वो तुम्हारा बड़ी है ना, और पड़ोस में भी रहता है, तो मुझे लगा वो तो आएगा ही। क्यों? नहीं, उसे आर्मी ज्वाइन नहीं करनी, इनफैक्ट उसे स्कूल के बाद यूएस जाना है, तो उसका यहाँ आने का फायदा ही क्या है?
कुर्सी पे पेटी बांध रहे हो, फन राइड शुरू होने वाली है। फिर शुरू हो गया तेरा? अरे यार चाचू, अच्छे लोग हैं वो, और मुझे सुमन के साथ पढ़ना है चाचू। तो अभी ना आप बड़े बनो, मुझे तैयार होना है। चलो, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, चलो। ओए, तुझे कहाँ जाना है अब? वो चाचू मियाँ, क्या है ना, स्कूल के काम से सीधा जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है जाओ जाओ। वैसे भी इन आर्मी स्कूल वालों को झेलना आसान नहीं है, मगर एक और कंप्लेंट आई ना। अरे नहीं आएगी। अरे चाचू चलो चलो, आप जाओ यार। बंटी भागना पड़ेगा, वो भी टाइम के पक्के कर्नल अंकल की क्लास में। यार गाइस, अभी पापा ने हाँ नहीं बोला है, तो अपनी एक्साइटमेंट को बोलो काम डाउन। आजकल वैसे ही गुस्से में रहते हैं, पता नहीं अभी पापा का मूड कैसा होगा। यहाँ क्लास का पता नहीं, वहां श्रवण रिप्लाई करा उसने। आई शो आएगा तुम्हारे कहने पे? सुमन के घर बुलाया यार, बिना शक के मुंह उठाए चलाएगा देव को और बेइज्जत होकर जाएगा। डोंट वरी, प्लानिंग फिट है। कितना सजोगे बे? भाई सुमो को इंप्रेस करना है। वैसे कटी हुई गर्दन से इंप्रेस करोगे? ओ अच्छा ये। अरे कुछ नहीं यार, ये तो बुढ़ाओ के चक्कर में कर रहा हूँ ताकि थोड़ा शरीफ लग सकूं। अरे मियाँ, जब फोकस क्लियर है तो बुढ़ाओ से ध्यान हटाओ और जो ओट सी लंबी गर्दन से सुमन को बताओ। अच्छा आ जाओगे मियाँ, सच बता रही हूँ। भाई तू ना मेरी जिंदगी का वाइपर है, मतलब लाइफ में कहीं भी कंफ्यूजन हो तू छींटे मार के क्लियर ही कर देता है यार। चल मैं निकलता हूँ। हाँ एकदम सही रही है। और सुन, रूम से मत निकलियो, पापा को नहीं बता तू यहाँ पे। अरे तुम चिंता मत करियो मिया, तुम निकल लियो, वैसे भी तुम्हारे पप्पा डियर सो रही है, सब रिसर्च कर लिए। तुम जा। मैंने फोन पर ही सब क्लियर कर दिया था इन लोगों को, लेकिन ये जिद पकड़ के घर पर आ गए हैं। मैं आज दोबारा लेट नहीं होना चाहता कैंट के लिए। तो आप हाँ क्यों नहीं कह देते? एक बार सोच कर देखिए ना, बच्चों के लिए भी कितना फायदा होगा। और वैसे भी आप तो फ्री बैठा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए करूँ। विजय मैं तो बस हाँ कह दे बेटा, पत्नी है तेरी और फिर टीचर भी है, तेरा और बच्चों दोनों का भला सोच रही है। पापा पापा की छोड़, ब्रिगेडियर की सुन, ये बच्चे भविष्य हैं इंडियन आर्मी का, इन्हें बेस्ट ऑफिसर से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और फिर तूने इतनी मेहनत और इतने मेडल क्या सिर्फ अपने लिए हासिल किए? लेकिन पापा 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 बहुत मुश्किल से मुझे मौका मिला है कि मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाऊँ, आपके अंडर ट्रेन कर पाऊँ। नहीं तो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या कुछ भी और, आपने सब कुछ सिर्फ दूर से मम्मा से फोन पर सुना है। प्लीज पापा प्लीज। बातों में उलझाकर अपनी बात मनवाना तुमको अच्छे से आता है कैडेट। तो आप लोगों को अगर लग रहा है तो ठीक है, मैं बाहर जाके उन्हें हाँ कह देता हूँ, फिर वहीं से निकल जाऊंगा। गुड, थैंक यू। अपने पापा का मूड ऐसे ठीक करना है ये सिर्फ तू ही कर सकती है। हमारा तो फिक्स्ड है ना मम्मा, हिम्मत वाला काम आप करते हो और सेंटी वाला मैं,
पर बात करने का आइडिया तो आप ही का था ना मेरी सुपर स्ट्रॉन्ग मम्मी। चल चल चल। कहाँ जा रहा है? आप उठ भी गए पापा? एंड हाथ की चोट कैसी है? ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सर में। और ये तेरा डियो भी अब सर चढ़ रहा है मेरे। कहाँ जा रहा है इसे चहकते महकते हुए? पापा वो सुमन के घर। वो एक्चुअली क्या है ना पापा, हम सब आर्मी स्कूल के बच्चों के लिए ग्रुप स्टडीज है वहां पे, तो विजय अंकल पढ़ाएंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.